अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं फाइवर पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोगो डिज़ाइन सर्च किया हुआ है। अब इस वर्ड लोगो डिज़ाइन के ऊपर कितनी कितनी गिग अवेलेबल हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो ये देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इस लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड के ऊपर 1,24,000 समथिंग गिग्स या सर्विसेज अवेलेबल हैं। नीचे देखें, सबने अपने टाइटल्स को किस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको इनमें से चार पांच गिग्स को खोल लेना है और उनके टैग्स को देखना है। जो टैग्स मैच करेंगे आपको वही टैग्स अपनी गिग में भी लिखने हैं। यहाँ पे मैंने तीन गिग्स को खोला है, आप लोग अच्छे तरीके से गिग्स को देख लिएगा, चार पांच को खोलिएगा और उसमें जो टैग्स मैच करें आप वही टैग्स को अपनी गिग के टैग में भी लिखिएगा। अब अगर मैं इस लोगो डिज़ाइन कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को बनाऊँ तो मैं इसके ऊपर रैंक कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं एक न्यू यूज़र हूँ, मैं एक न्यू सेलर हूँ और मैं अब अपनी गिग बनाऊँगी इस कीवर्ड के ऊपर, लोगो डिज़ाइन के ऊपर, तो मेरी गिग तो इसके ऊपर रैंक ही नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे तो कंपटीशन ही इस हद तक है, यहाँ पे तो मैं कभी भी रैंक नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने कीवर्ड को कुछ चेंज करूँगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें कौन कौन से इन्होंने वर्ड्स को यूज़ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अट्रैक्टिव लोगो डिज़ाइन, तो अब कंपटीशन देखें कितना डाउन हो गया, 1,00,000 से ये आ गया 28,000 के ऊपर। अब भी ये कंपटीशन ज़्यादा है। अब आप थोड़ा और अपने कीवर्ड को चेंज करें। अगर मैं यहाँ पे और चेंज करूँ, तो अब ये क्या आ गया, 18,000 के ऊपर आ गया। पहले था 1,00,000 के ऊपर, फिर आया 28,000 के ऊपर, अब आ गया 18,000 के ऊपर। तो इस चीज़ से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि हमें अपनी गिग को या अपनी गिग के टाइटल को इस तरीके से बनाना है कि हमारी गिग जो है रैंक करे। हमें कीवर्ड रिसर्च करके अपनी गिग को बनाना है, अपनी गिग के टाइटल में लगाना है, अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन में लगाना है। तो ये तो हो गया, ये 18,000 समथिंग पे आ गया। हम और लो कंपटीशन के ऊपर जा सकते हैं, हम और रिसर्च करके और लो कंपटीशन पे जाके अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं। हमें एक ऐसा कीवर्ड लेना है जिसके ऊपर जाके हम वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी लो हो और हमारी गिग भी रैंक हो जाए। अब ये 18,000 के ऊपर आ चुका है, 1,00,000 से ये 18,000 के ऊपर आ चुका है। हम इससे और कम भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट हमें गिग्स को खोल के देखना पड़ेगा कि उन्होंने कौन से कीवर्ड्स को लिखा है। आप अपनी मर्ज़ी से भी सबसे पहले गिग बनाने से पहले अपने कीवर्ड्स को इस तरीके से रिसर्च करके, यानी जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो उस कीवर्ड को आपको लेना है। अभी ये 18,000 के ऊपर आया, अगर मैं इस कीवर्ड को और चेंज कर दूं, इसको चेंज करके मैं अगर यहाँ पे तो अभी आ गया हमारे पास, हम उस कंपटीशन के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे लो कंपटीशन है, यानी 6,000 समथिंग कंपटीशन। आप इससे और कम पे जा सकते हैं अपनी रिसर्च करके देख के, जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो इससे भी कम के ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर वो कीवर्ड आप लें, उसके ऊपर ऑर्डर भी आ रहे हों और वो कीवर्ड भी उसके ऊपर मैच कर रहा हो। अब ये देखें, मेरा था कीवर्ड अमेजिंग मॉडर्न लोगो डिज़ाइन, तो अभी मैं ये देखें, ये मेरे ये लोगों ने
अगर आप इनकी गिग्स को देखें, इनकी गिग्स के टाइटल को देखें, तो उन्होंने देखें इस कीवर्ड को किस तरीके से अपने टाइटल के ऊपर सेट किया हुआ है। आई विल डिज़ाइन अमेजिंग मॉडर्न आर्ट डेको स्टाइल, इसी तरीके से इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको कीवर्ड को इस तरीके से अपने टाइटल के ऊपर सेट करना है कि आपका कीवर्ड भी आ जाए और आपका टाइटल भी सेट हो जाए, और वही वही कीवर्ड आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में और अपने टैग्स में लिखना है। और डिस्क्रिप्शन में आप इस कीवर्ड को इस तरीके से लिखेंगे कि वो क्या हो, ऐसा ना लगे कि आपने मतलब उसके अंदर ज़बरदस्ती का अपने कीवर्ड को ज़बरदस्ती डाला हुआ है। अगर हम इनके गिग्स को खोलें तो ये देखें, इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से लिखा हुआ है अपने कीवर्ड को। ये देखें, एक एक कीवर्ड ये आ गया, इस तरीके से ये कीवर्ड आ गया। ये तो हो गई हमारे टाइटल की बात और कीवर्ड की बात। अब मैंने कहा था कि आपको उनके टेक्स्ट को भी देखना है। अगर हम उनके टेक्स्ट को देखें, ये देखें उन्होंने अपने टैग में क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न लोगो। यही वर्ड उनके टाइटल में आ रहा है, उनके डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, यही कीवर्ड उन्होंने अपने टैग में भी डाला हुआ है। और अगर सेकंड वाले को खोलें तो इन्होंने भी यही कीवर्ड लिया हुआ है। तो आपको अच्छे से पहले रिसर्च करनी है उन कीवर्ड्स के ऊपर, फिर आपको क्या करना है, अपना टाइटल इस तरीके से लिखना है कि वो कीवर्ड उधर सेट हो जाए। और लो कंपटीशन, जहाँ पे लो कंपटीशन हो उस कीवर्ड को लेना है आपको। और अगर आप जिस पे हाई कंपटीशन है उसको लेंगे तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते। ऑर्डर मिलना ना मिलना ये तो ऑर्डर देने वाले के ऊपर है, लेकिन आप रैंक तो कर सकते हैं कि आपकी जो है गिग जो है ऊपर आ जाए। ये एक तरीके की ट्रिक है कि आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। आपको अपने कीवर्ड को बहुत अच्छे से पहले रिसर्च करना है और उन कीवर्ड्स को अपने पास पहले लिख लें। जिन कीवर्ड पे लो कंपटीशन है, आप उस कीवर्ड को लेते हुए अपने टाइटल को लिखें और उस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग बनाएं, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर जो है रैंक कर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को, इससे आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।